हाँ जी, तो यहाँ पे आते हैं। ये वाली ड्राइंग हमने स्टार्ट करनी थी बनाना, तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पैरामीटर देख लेते हैं। जैसे कि क्या दे रखा है, टोटल हाइट दे रखी है कितनी, 425, और नीचे का जो बेस है यहाँ पे इसकी, ये सेंटर जो कर्व आ रहा है इसका आप देख सकते हो, रेडियस दे रखा है कितना है, 100 रेडियस। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्सेल एंटर करके एच एंटर के एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, एक्सेल एंटर करके बी एंटर करके एक वर्टिकल लाइन बना ली। वर्टिकल लाइन जो बनाई है इसके नीचे से हमने इसको कर दिया ट्रिम, ऑफसेट पे गए 425, ऊपर ऑफसेट कर दिया हमने, क्योंकि टॉप मोस्ट हाइट हमारी 425 थी। हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ये जो है, ये लाइन जो आ रही है ये सर्किल के रेस्पेक्ट में आ रही है, रेडियस कितना है 100 है, इस सर्किल का यहाँ से हाइट दे रखी है हमें कितनी, 200। तो हमने यहाँ से इसको 200 पे ऑफसेट कर दिया, और इस सेंटर से हमने एक सर्कल बना दिया 100 रेडियस का। यहाँ से हमने लाइन खींच दी स्ट्रेट अपवर्ड, और यहाँ से भी लाइन खींच दी स्ट्रेट। अब मैं आगे की एक तरफ की प्रोफाइल बनाऊंगा, क्योंकि वैसे ही सेम दूसरी प्रोफाइल है तो मिरर करना है, तो एक ही प्रोफाइल पे हम फोकस रखेंगे। ये शेप बना दिया। अब इसको बनाने के बाद ऊपर के पैरामीटर से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर सबसे टॉप में इसकी विड्थ दे रखी है 115, ओ एंटर 105 डिवाइड बाई 2, हाफ लेफ्ट और हाफ राइट में रख दिया। इसकी हाइट अगर आप देखोगे तो ये दे रखी है कितनी है, 55। 55 पे हमने इसको अगेन ऑफसेट कर दिया नीचे। अब टी आर डबल एंटर, इसको ट्रिम, नीचे से ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, ये तैयार हो गया। अब इस इतना करने के बाद यहाँ पे इसका ये इनर की वैल्यू दे रखी है हमें 62, ऊपर वाले इनर की दे रखी है 87.88। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई ऑर्थो को ऑन किया 87.88 की। अब ऑफसेट पे गए ओ एंटर, ओ एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट इसके मिडिल पे रखा, सेकंड पॉइंट इसके दूसरे एंड पे रखा, और यहाँ से दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, नीचे से ट्रिम कर दिया। हाँ, जो एक लाइन बाहर की है, मुझे ऑफसेट करना था कितना, इनर का टोटल डिस्टेंस कितना था 87.88। अब इसका हाफ करूँगा तो हाफ नहीं होगा एग्जैक्ट, ऑटोकैड हाफ करने में टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन में, और ऑटोकैड में टाइप करूँगा तो वो भी नहीं ले पाएगा, पॉइंट्स में चला गया। तो मैंने एक लाइन बना दी अलग से, ठीक है। मुझे जैसे 10 का ऑफसेट करना है तो जरूरी नहीं आप 10 लिखो, अगर मेरे पास एक लाइन बनी हुई है, मान लो मैंने एक लाइन बना दी, अब मैं चाहता हूँ ये ऑफसेट होके यहाँ आ जाए, बट मुझे गैप नहीं पता, ऑफसेट ही करना है, ओ एंटर किया, डिस्टेंस नहीं पता, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया, दोनों के बीच का जो गैप है वो ले लिया उससे ऑफसेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं ये जो इनर की हाइट है ये कितनी दे रखी है, 46, ओ एंटर 46 एंटर, 46 इसको ऑफसेट किया हमने, ये शेप आ गया हमारा। अब नीचे वाले शेप की अगर हम बात करें तो नीचे वाले शेप में अगर आप देखोगे तो ये कितना डाया दे रखा है इनर का, 62, ओ एंटर 62 डिवाइड बाय 2। अब ये ऊपर तो नहीं जाएगा, ट्रिम कर दिया मैं, नीचे से भी ट्रिम कर दो, ये क्योंकि रेफरेंस के लिए चाहिए, खाली पॉइंट चाहिए। इसका नीचे देखोगे तो डाया बढ़ता जा रहा है, कितना हो गया यहाँ पे, तो ये जो सर्किल बनाया था हमने 75 डिवाइड बाय 2, ऊपर नीचे आ गया। लाइन कमांड पे गए, इस लाइन से इसके एंड को कनेक्ट कर दिया हमने, और इसको क्या कर दिया फिर हमने, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है,
12 हमने ऑफसेट कर दिया दोनों तरफ, अब इस पे फ्लैट लगा दें हमने। बाहर कितने का फ्लैट है ऑयनर में? अब अगर इनर में मैं 24 का फ्लैट लगाता हूँ तो इसमें एरर आ जाएगा, नहीं हो पा रहा। इसके लिए क्या करना है, देखो ये फ्लैट कितने का है, तुमने यहां से पहले एक लाइन खींच दी इसके साथ में, ए एंटर स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर एंड पॉइंट, आर एंटर रेडियस 24, उल्टा बन गया। लेकिन स्टार्ट इधर, ई इधर, एंड पॉइंट, आर एंटर रेडियस 24। यहाँ इसका जो लाइन आ रही है यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन की थी, अब ए एंटर करके स्टार्ट पॉइंट दिया, ई एंटर करके एंड पॉइंट दिया, आर एंटर करके रेडियस 24 दे दिया। फ्लैट लेंथ छोटी होती है तो फ्लैट नहीं लग पाता ना। हाँ रेडियस, ये शेप तैयार हो गया हमारा, मेरा कर देंगे अभी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये शेप आ रहा है नीचे, नीचे क्या है सर्कल आ रहा है 250/100 का, नीचे का बेस आगे ऊपर की तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड में तो आउटर आउटर शेप चाहिए। यहाँ पे एक आर्क चाहिए कितने का, रेडियस का। तो पहले मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले ली, आर कमांड पे गए, ए एंटर के स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर एंड पॉइंट, आर एंटर रेडियस, कितना रेडियस है भाई आ गया। रेफरेंस इसके सेंटर से वही की लाइन पर, स्टार्ट पॉइंट फ्लैट कैसे लगाओ, अब इसमें बस ये एक प्लेट रह गई, इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है 20। Thank you.
तैयार हो गए शेप। ठीक है, तो इतना शेप तैयार हो गया हमारा, ज्यादा क्लियर है सबको। अभी इसमें बीच का सेगमेंट रह गया, ये वाला, ये कैसे आएगा? ये वाले व्यू से आएगा। अब इसके लिए बट पहले हमें ये शेप बनाना पड़ेगा। ये शेप जो है वो इसी, ये सिलेंड्रिकल प्रोफाइल है पूरी। कैसे पता सिलेंड्रिकल है? क्योंकि 5 5 के टर्म में दे रखी है सारी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके इधर रख लेते हैं। ठीक, ये चीज इसके मिडल पे रखनी होगी हमें, क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं, तो साइड से तो वो बिल्कुल मिडल पे रखा होगा अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो। ठीक, नीचे इनर वाले का ये जो होल है, ये कितने का दे रखा है? 100 का। इसका रेफरेंस ले लिया हमने, यहाँ पे हमने एक सर्कल बना लिया 75 डायमीटर का। इसको 12 बाहर ऑफसेट कर दिया हमने। फिफ्टी फिफ्टी दोनों तरफ रखा हमने गैप, 100 था, 50 का गैप रख दिया। ये कितने का आ रहा है देखो, तो ये यही वाला है, 75 डायमीटर का सर्किल है, तो उसका रेडियस क्या होगा? तो वो हमने बना लिया। हमने क्या करना है, अब यहाँ लाइन से एल एंटर किया, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, बट टेंजेंसी पे हो गया कनेक्ट। इसको ऑफसेट कर, हाँ इसको 12 पे ऑफसेट कर दो आप, ठीक है। हाँ 75 वाली लाइन, 100 वाली लाइन जो थी इसको डिलीट कर दो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इस लाइन को भी डिलीट कर दो, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही दिया होगा ये, ठीक है। आगे शेप वाला, यहां से आप इस प्रोफाइल को कॉपी कर लो, और यहां पर ठीक है। अब इसके साथ ये चीज तो बन जाएगी या नहीं बताएं? डॉटेड में तो बन कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल
बस आपको वही कर देना है, यहाँ पे फ्लैट कितने का लग रहा है? तो 12 का फ्लैट लगा दिया आप। ठीक है, नीचे भी लगेगा और ऊपर भी लगेगा। ऐसे ही इधर भी भी। लगा होगा ऐसे। हाँ ठीक है, बस बन गया शेप। एक लाइन डॉटेड भी आ रहा है सर, वहां से भी किसमें, कौन से, लेफ्ट में राइट में? राइट लाइन से राइट में में। ये उसी वाली है, उसी वाली सीट में राइट। तो ये बाहर वाले सर्किल का वहां पे सिंपल यहां पे जा रही है सर। हाँ ये वाली लाइन आ गई ना, ये वाली लाइन आ गई। टेस्ट टू टेस्ट ये डॉटेड में कन्वर्ट कर देगा बस। इसी तरीके से इधर भी डॉटेड में दिखा रखा होगा, वो भी कन्वर्ट कर देगा, तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा या नहीं? हाँ, वो थिकनेस, इसकी थिकनेस जो है वो 12 है, वो यहाँ नहीं दिख रही, वो थिकनेस यहाँ दिखेगी आपको। यहाँ पे आप देखना, दो लाइनें आ रही होंगी ऐसे बीच बीच में, है ना? ठीक है, और ये सर्किल तक ही जा रही होगी, ये वाला जो सर्किल है वहाँ तक। इस पे आप क्या करो, एक सर्किल बना दो 12 रेडियस का, सॉरी 6 रेडियस का, ये आ जाएगा। इसके ऊपर से तो कर देंगे ट्रिम, ये आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा सबसे। तो ये वाला शेप बना के देखें, चलो।